लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरुप्रसाद टेल मी व्हाट दिस मींस। इसका मतलब क्या है? आई नो व्हाट इट मींस। एक ही भगवान है, जस्ट वन गॉड, जिसका नाम सत्य है। ही इज द ट्रूथ, द ट्रूथ इज गॉड। वो सत्य ईश्वर है, वही करने वाला है। ही डज इट ऑल। जिसे ना किसी का डर है, ही डजंट फियर एनीवन, ना किसी से बैर है, ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। एक ही मूर्त, जस्ट वन फॉर्म, अकाल मूर्त, जिसे कोई नहीं भंग कर सकता। Nobody can disturb his trust, his peace, his faith. Wo hai Gur ka Prasad. That is God. Gur Prasad. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Vaheguru da Khalsa, Vaheguru di Fateh. Prasad khao. प्रसाद खाने से दिन की शुरुआत हमेशा अच्छी होती है। What a beautiful day. और अंजलि सो रही है, जगाओ उसे। Okay. Good morning, Anjali. Rise and shine, darling.
Wake up. Utho. Utho. Oh, Mama. Let me sleep some more. Nahi, nahi. As your papa says, jo sota hai, wo khota hai. Aur main nahi chahti, my beautiful daughter, itne beautiful sunny day ka, ek lamha bhi khoye. So, utho, Anjali. Utho. Oh, Mama. What's the exact time like? Speak to me in Hindi. मुझसे जो भी बात करो हिंदी में करो पापा खुश होते हैं ठीक है मामा इस वक्त क्या टाइम है एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली का हिंदी ट्रांसलेशन मुझसे मत पूछना ओह आई हैव टू चेक दैट इन माय हिंदी डिक्शनरी टू इस वक्त 9:30 और 51 सेकंड है व्हाट ओह गॉश आई एम हॉरिबली लेट व्हाट आर यू लेट फॉर अंजलि मगर इस सीजन में तो क्लासेस दोपहर की बात होता है ना तो फिर किसके लिए लेट हो गई हो अंजलि वो क्या है ना कि आज फ्राइडे है ना मामी आज बॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्म रिलीज है तो विभू शिरानी और मैं उसे मॉर्निंग शो में देखने जा रहे हैं रियली फिर तो वहाँ पूरी इंडियन कम्युनिटी भी होगी मैं भी आ रही हूँ ओ नो मामा अगर आप आएंगे तो मेरे सारे फ्रेंड्स रिजर्व हो जाएंगे ना देयर बी नो फन अच्छा हाय लिसन मैं जानती हूँ मैं लेट हूँ लेकिन मैं वहाँ एग्जैक्टली 10:30 टच करूँगी ओके डोंट सल्क बाय फॉर द मोमेंट किससे बात कर रही हो हु आर यू टॉकिंग टू शिरानी से मिलने जा रही हूँ मामा अब तुम जाओ मुझे रेडी होना है अच्छे कपड़े पहनना वहाँ सारी इंडियन कम्युनिटी होगी योर डॉटर मामा ओके सॉरी भगवान जी सुबह सुबह झूठ बोलना पड़ा लेकिन ये मेरी फिरंगी मदर जो है ना इंडियन मदर से भी स्ट्रिक्ट है अगर मैंने सच सच बता दिया कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ तो आई एम इन ट्रबल Pop star of tomorrow. Sorry, Mama kehti hai, Hindi mein bolo. Hi, Indian Raja. Kal ke chamakte sitare. Hi, baby. Sorry, tumhari mama kehti hai ki hamesha Hindi mein bola karo. Hi, Janeman. Miss Anjali Dehal. जो 21 साल की हो गई और अभी भी अपने माँ बाप से छुपते छुपाते अपने लवर को हिंदी में अपने प्रेमी से छुपते छुपाते मिलने आती है राइट ऐसे ही झूठ बोलती हुई छुप छुप के मिलने आती हुई लड़कियों के लिए तुम गाने बनाते हो अगर सब कुछ ओपन हो जाए तो रोमांस कहाँ और अगर रोमांस नहीं तो कुछ नहीं अच्छा एक बात बताओ किसी दिन तुम्हारा ये झूठ पकड़ा गया तो कह दूंगी कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ और फिर से तुम्हें चुप चुप के मिलने आ जाया करूंगी क्या बात है आज तो बड़ी मूड में हो तुम एक तो लेट आई हो और ऊपर से कमाल की बातें सुना रही हो तुम तुम्हें नहीं सुनाऊंगी तो किसे सुनाऊंगी पर तुम मुझे बताओ आज तुम मुझे क्या सुनाओगे अच्छा बताओ कौन सी भाषा में सुनना पसंद करोगे हिंदी इंग्लिश स्पेनिश पंजाबी हिंदी वैसे भी प्यार की भाषा
हर एक समझ लेगा यहाँ। अच्छा तो देखिए, तुम्हारा दिल मुझ पे कितना फिदा है। दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है। वो दिल रुबा है, वो दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, वो दिल रुबा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं। जी करता है तेरी जुल्फों से खेलूं, जी करता है तुझे बाहों में ले लूं। जी करता है तेरी आंखों को चूमूं, जी करता है तेरे इश्क में झूमूं। करता है तेरा सपना सजा लूं, दिल करता है तुझे अपना बना लूं। दिल करता है तुझे दिल में छुपा लूं, दिल करता है तुझे तुझसे चुरा लूं। हो सबसे दिलकश जिसकी अदा है, सबसे दिलकश जिसकी अदा है। एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है, एक दिल रुबा है। मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है। मैंने सनम तुझे प्यार किया है, सिर्फ तेरा इंतजार किया है। मुझसे निगाह कहीं फेर न लेना, मैंने तो तेरा एतबार किया है। ख्यालों में खोया रहूंगा, तेरे लिए हर दर्द सहूंगा।
जिसका जादू मुझ पे चला है, जिसका जादू मुझ पे चला है, वो दिलरुबा है, वो दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, वो दिलरुबा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, एक दिलरुबा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, मेरी उल्फत मेरी वफा है, वो दिलरुबा है, वो दिलरुबा है, हाँ दिलरुबा है, वो दिलरुबा है। Hi, Mom. Love you, I missed Peter. You, Mama. Oh, I missed you too. Hi, Daddy. Happy, baby. Jeeti raho. Oh, Didi, no getting sentimental. अगर आप रोएंगे तो फिर मामा पापा भी रोएंगे और मुझे भी रोना पड़ेगा। और फिर यहाँ कनाडा एयरपोर्ट पे पूरे बॉलीवुड फिल्म का सीन शुरू हो जाएगा। और हम इंडियंस को जो रोने में मजा आता है वो हंसने में कहाँ? चलो घर जाकर खुल के रो लेते हैं। I don't believe this. I can't get over this thing. तुम 5 महीने प्रेग्नेंट हो और अभी तक हमें बताया भी नहीं। और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। वाओ, व्हाट अ फैबुलस फिगर। आधी अंग्रेज जो हूँ, नहीं तो दिल्ली का खाना खा खा के मुझे 5 महीने नहीं पूरे 10 महीने प्रेग्नेंट दिखना चाहिए। दीदी, यू आर माय बहन, बट यू कैन नेवर लुक लाइक अ बहन जी। पर ये बिल्कुल गलत है दीदी कि तुमने मामा पापा और मुझसे तक ये बात छिपाई रखी। अपनों की नजर भी कभी लगती है क्या? I'm sorry, Anjali, मगर तुम तो जानती हो हमारी शादी को 10 साल हो गए और दो मिसकैरेजेस के बाद मैं इतनी डिमोरलाइज्ड हो गई थी कि जब तक 3रा महीना, 4था और फिर 5वां महीना नहीं गुजर जाता और मैं श्योर नहीं हो जाती कि इस बार मैं श्योरली माँ बनूंगी, मैं तुम लोगों को झूठी आशा नहीं देना चाहती थी। और उनका भी यही ख्याल था। उनका? हाँ। जीजू मस्ट बी थ्रिल टू बिट्स ना दीदी कि फाइनली वो पापा बनने वाले हैं। बहुत बहुत खुश। फिर भी मेरी प्रेगनेंसी के खुशी के बावजूद वो बिजनेस के लिए वर्ल्ड टूर पे गए हुए हैं और सिर्फ डिलीवरी के 1 महीने पहले वापस आएंगे। लेकिन अंजलि, वो एक पूरा महीना सिर्फ हमारा होगा, सिर्फ हमारा। शकलक बेबी, शकलक बेबी, शकलक बेबी, नाना बनने वाला हूँ। शकलक बेबी, शकलक बेबी, नानी बनने वाली हूँ। नाना बनने वाला हूँ, 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 नाना बनने वाला हूँ, हूँ। What? हूँ। Shakalaka baby, shakalaka baby, look at nana nani groove. Shakalaka baby, look at nana nani groove. Okay, everybody, okay, calm down now, cool down. Listen, calm down now. तुम माँ बनने वाली हो, you have to be very careful. तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ. देखो, मुझे रोना आ रहा है. पापा. नाना नानी बनने की खुशी इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी खुशी। हम उस दिन का इंतजार बेसब्री से करेंगे जब वो हमारी गोद में होगा।
उस पल से हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। I love you, Papa. Bless you, my child. चुक चुक जियो। So you have a boyfriend. तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तो प्रॉब्लम क्या है? Come on, दीदी, तुम तो मामा पापा को जानते हो। राजा जस्ट अ स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन और मामा पापा तो मेरे लिए जीजू जैसा हस्बैंड चाहेंगे ना। मामा पापा को कैसे कन्विंस करना है ये तुम मुझ पे छोड़ दो, लेकिन पहले मुझे कन्विंस होना है कि जिसे तुमने अपने लिए पसंद किया है वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। भाई पहले मुझे कन्विंस होना है, उसी के बाद मैं ग्रीन सिग्नल दूंगी, बस। इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ दीदी, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, वो मुझे बहुत प्यार करता है। आई एम श्योर, और मामा पापा भी श्योर हो जाएंगे जब वो खुशी के माहौल में तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलेंगे, और वो तब होगा जब वो नाना नानी बनेंगे। बेबी को हाथ में लेकर वो किसी बात से इनकार नहीं करेंगे अंजलि। ओह दीदी, यू आर सच अ डार्लिंग, मैं जानती थी तुम परफेक्ट सॉल्यूशन निकालोगी। आओ मैं तुम्हें राजा से मिलाती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, लाइफ में सही वक्त पे बात करना बहुत जरूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है। और मैं नहीं चाहता कि अंजलि और मेरी बात किसी वजह से बिगड़ जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंजलि के लिए उसकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू राजा कि आप ये बात समझते हैं कि हमारे लिए हमारी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। यू डोंट नीड टू थैंक मी, हर प्यार करने वाले जिससे प्यार करता है उसे हमेशा खुश देखना चाहता है। ठीक इसी तरह मैं भी अंजलि को खुश देखना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि अंजलि भी सबको खुश देखना चाहती है, चाहे उसकी फैमिली हो या फिर मैं। अच्छा राजा, जैसे कि आप जानते हो मैं यहाँ सिर्फ अपने डिलीवरी के डेट तक हूँ। मैं हर वो जगह देखना चाहती जहाँ आप और अंजलि बातें करते हैं, मिलते हैं, अपने आने वाली जिंदगी के ख्वाब देखते हैं। तो बताइए ऐसी कौन सी जगह है जिसे दो चाहने वाले सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल जगह मानते हैं, बताइए। जन्नत। जन्नत भाई, जन्नत ही मीन्स बेवर लेक दीदी, इट्स हेवन। बेवर लेक, तो चलिए हम लोगों की मुलाकातों का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। अंजलि ने कभी बताया नहीं तुम इतने टेरिफिक गिटारिस्ट हो। व्हाट म्यूजिक, लेकिन इस धुन पे वर्ड्स, कोई अल्फाज नहीं रखे। ये धुन तो मैंने अभी अभी बनाई है, यहाँ की सारी खूबसूरती से इंस्पायर होके, अल्फाज तो मैंने सोचे भी नहीं अब तक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इंस्पिरेशन तो आपके सामने है, धुन को गीत बना लीजिए। इस वक्त अभी? अच्छा चलिए मैं आपको हेल्प करती हूँ। बताइए तो आप मेरी बहन से कितना प्यार करते हैं? वो तो मैं रोज ही कहता रहता हूँ, आज कुछ अलग करते हैं, क्यों ना आज अंजलि बताए कि वो मुझसे कितना प्यार करती है।
हाँ, he's got a point, Anjali. अब तुम जवाब दो. मैं कोई म्यूजिशियन थोड़ी हूँ. देखा कैसे बहाने बना रही है. He's right. Excuses नहीं बनाते. दिल की बात कहने के लिए म्यूजिशियन थोड़ी ना होना होता है. जो दिल में है कह दो. अच्छा तुम शुरू तो करो, उसके बाद मैं भी अपने दिल की बात बता के तुम्हें ज्वाइन करती हूँ. Oh God, अब मैं क्या कहूँ? कुछ भी, बस कहो. Come on अंजलि, दिल की बात जुबान पे ले आओ. राजा, आई रीच द एयरपोर्ट. अब तुम प्लीज दीदी को देखने हॉस्पिटल मत पहुंच जाना. माँ और पा इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड है. मैं नहीं चाहती वो तुम्हें ऐसे सर्कमस्टेंस में फर्स्ट टाइम मिले. प्लीज कॉट मी टेन आउट कोर द हॉस्पिटल नाउ. नाउ बाय, तुमसे जरूरी इस वक्त मेरे लिए जी है. प्लीज बाय. ओह गॉड जी, आई होप आई हैवंट मिस्ड यू. एक्सक्यूज मी, हैज द बीए फ्लाइट फ्रॉम न्यूयॉर्क लैंडेड? हाफ एन आवर बैक. ओह गॉड जी, अब कहाँ हो? मैं आपके पीछे हूँ. जीज, आई थॉट आई लॉस्ट यू. मैंने समझा मैं आपको खो चुकी हूँ. वंडरफुल, आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी हो गई है. लगता है बॉलीवुड फिल्में बहुत देख रही हैं आप. ओह नो जीज, वो क्या है ना, बिल्कुल नहीं जी. ओके ओके, लेट्स बाय सम फ्लावर्स फॉर योर सिस्टर. कम ऑन, लेट्स गो. ओह, आई ऑलमोस्ट स्टंबल ऑन द बैग. जीज, फूल बाद में ले लेंगे ना, वी हैव टू रश. ओह डोंट वरी, मेरी वोटी को मेरा और अपना ख्याल करना पूरा आता है. मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पैसे कमाने पड़ते हैं और मेरी बीवी के लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स खरीदने पड़ते हैं. गैली सोसाइटी में मिसेस सहानी से वेल ट्रेन्ड वाइफ कोई नहीं है. ऐसा ट्रेन किया इस पंजाबी आदमी ने अपनी फिरंग बीवी को, कुछ बोलती नहीं, नो कंप्लेंट्स, हमेशा चुप ही रहती है. ओ दे कम अंजलि. ओ जीज. मैं ये भी जानता हूँ कि डिलीवरी के बाद वो इतना बोलेगी कि मुझे फिर से वर्ल्ड टूर के लिए जाना पड़ेगा. But to tell you the truth, she's a doll. अंजलि, प्लीज हेल्प मी. शायद मुझे कुछ और भी खरीदना चाहिए. आई थिंक दिस फ्लावर्स आर नॉट इनफ, सम बलून्स, सम कार्ड्स. आई एम श्योर दीदी आपसे अर्जेंटली मिलना चाहती है. आई डोंट थिंक यू शुड वेस्ट एनी मोर टाइम. मेरे और तुम्हारे दीदी के बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है. मैं तभी पहुंचता हूं जब वो सारी टेंशन खुद ही हैंडल कर चुकी होती है. शी इज अनबिलीवेबल. मामा, लुक हूज हियर. पापा, देखो कौन आया है. You're late. You're very, very late. She's passed away. My child has gone. Mama, that's not possible. Mama. She can't leave us and go. She can't do this to us. Didi, Anjali, listen to me. Anjali, listen to me. Aarti nahi rahi. Meri beti nahi rahi. जुड़वा बच्चे छोड़ गई है. बच्चों का क्या होगा, हम सब का क्या होगा, क्या होगा?
यह फैसला तुम्हें खुद ही करना होगा अंजलि। हमने अपने दोनों बेटियों को हमेशा अपना फैसला खुद ही करने दिया है और यह भी सिखाया है कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा जमीर तुम्हें हमेशा बताएगा कि तुम कोई गलत काम कर रही हो या सही। और इसी उसूल को कायम रखते हुए हम चाहते हैं कि यह फैसला तुम ही करो। सोच समझने के बाद तुम जो भी फैसला करोगी, चाहे तुम हां कहो या ना, उस फैसले की पूरी इज्जत की जाएगी। तो सोचो बेटी, सोचो, वक्त लगाकर सोचो और फिर फैसला करो, क्योंकि कुछ ना कुछ फैसला तो हमें करना ही होगा। कम लेट हर थिंक। कितने सोहनी लग रहे हो तुसी। वाओ, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक योर सिस्टर। पता नहीं भगवान हमेशा अच्छे अच्छे लोगों को क्यों उठा लेते हैं जल्दी। आई एम सो सॉरी अंजलि। इट्स ओके जब्बी, लेकिन बता क्या मैं बिल्कुल दीदी जैसे लग रही हूँ? ऑफ कोर्स, एज ब्यूटीफुल एज हर एंड एज गुड हार्टेड। इसलिए तो तुमने इतना अच्छा स्टेप लिया है। बट हाउ सैड है ना मंजू, सुना है वो अभी तक अपनी पहली बीवी को भुला ही नहीं पाए। हाँ अंजू, इसके बावजूद के बेचारी अंजलि ने अपने आप को अडेप्ट करने की कितनी कोशिश की अपनी बहन की तरह, राइट? मगर एज डिफरेंस भी तो देखो, She's so young. Come on, Anju. Aditya तो अभी old नहीं है. Actually, he's just the right age. मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबको हमारे हस्बैंड को छोड़कर इसके हस्बैंड के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए। You're so naughty. देखो तो सही है, जब भी कैसे स्कैंडलाइज हो रही है। Of course, darling. आखिर हम भारतीय नारी है, हम थोड़ी हाफ मेम हाफ हिंदुस्तानी है, जो शादी के 3 साल के अंदर ही इतने लवली ब्यूटीफुल और बॉर्ड लगे। रियली? जब 3 साल में ये इतनी बॉर्ड हो गई है तो सारी जिंदगी कैसे कटेगी? के लिए खाना लगाओ। हाँ, हाँ लगाओ।
नमक तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस इतना ही खा रहे हैं, और लीजिए ना। नहीं नहीं मैं ले लूंगा। पूजा और गौरी सो गए? हाँ वो तो 9 बजे ही सो जाते हैं, सुबह जल्दी जुटना पड़ता है स्कूल के लिए। आज वो कह रही थी कि पापा हमारे सोने के बाद आते हैं और उठने से पहले चले जाते हैं। आज कनाडा से मामी पापा का फोन आया था। अच्छा, पूछ रहे थे आप कैसे हैं, हम कैसे हैं। तो क्या कहा? मैंने कहा हम सब ठीक हैं। पूछ रहे थे वहां कब आ रहे हैं। तो क्या कहा? मैंने कहा आपसे पूछ के बताऊंगी। कोशिश करूंगा, वैसे काम बहुत ज्यादा है, कोशिश करूंगा वक्त निकाल सकूं। ये तुमने अपने आप को क्या किया है? क्यों, कैसा लगा? अच्छा है, तुम पहले भी अच्छी थी और ऐसे भी अच्छा है। My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you, la 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 la. I'm sorry, अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ तो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बोलो। वो मैं सोच रही थी कि अगर आप आज रात का डिनर घर पे कर रहे हैं। हाँ वो तो मैंने कल रात भी खाया था। तो फिर कब तक आएंगे आप? जल्दी आ जाऊंगा। और कुछ? एक और चीज, वो क्या है, आज पूजा की नर्सरी में टीचर्स डे है, तो मैं सोच रही थी कि दीदी का एक डायमंड सेट है, क्या मैं उसे पहन के जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स, इसमें पूछने की क्या बात है, सब कुछ तुम्हारा ही है। और कुछ? नहीं बस बस इतना ही। सब कुछ तुम्हारा ही है, सब कुछ तुम्हारा ही है। आइए जनाब, आइए सानी साहब, बैठिए। जी नहीं, बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इंस्पेक्टर साहब, जो नुकसान हुआ भर दूंगा। बात नुकसान की नहीं है जनाब, कोई मरते मरते बचा है। मैं जानता हूं ऐसी लापरवाही फिर कभी नहीं होगी। यह तो अच्छा हुआ जनाब कि एक्सीडेंट मेरे एरिया में हुआ है, वरना आपकी मिसिस को रात
लॉकअप में गुजारनी पड़ती। I'm sorry. I'm really sorry. पता नहीं ये मुझसे कैसे हो गया, पर दोबारा ये गलती मुझसे नहीं होगी। सवाल सॉरी का नहीं है। एनीवे, आज के बाद तुम गाड़ी नहीं चलाओगी। जहां जाओगी ड्राइवर के साथ जाओगी। इज दैट क्लियर? लेकिन मैंने कहा ना आई एम सॉरी, और फिर एक्सीडेंट जानबूझ के थोड़ी हुआ। आई प्रॉमिस ये फिर नहीं होगा, और सालों से दीदी और मैं खुद ही गाड़ी चलाती आई है, कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों हर बार अपनी दीदी के साथ अपनी बराबरी करती रहती हो? Why do you keep comparing yourself with her? हर चीज में, हर बात में क्यों अपनी तुलना उसके साथ करती रहती हो? क्यों उस गलतफहमी में हो कि अपना चेहरा बदलने से, अपना तरीका, अपना सलीका उसकी तरह बना के तुम आरती बन जाओगी? जो हो तुम वही रहो। आरती बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम कभी आरती नहीं बन सकती। वो आपको मुझसे कहने की जरूरत नहीं कि मैं कभी आरती नहीं बन सकती। पिछले 3 साल से हर बात, वो आपकी हर बात जो आपने मुझसे कभी नहीं कही, गूंज गूंज कर मेरे कानों में कहती रही कि मैं कभी आरती नहीं बन सकती हूं। हां, मैं कभी अपनी बराबरी आरती के साथ नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज में बराबरी कर सकती हूं जो शायद आप भूल गए, कि वो भी तन्हा थी और मैं भी तन्हा हूं। उसके लिए भी वक्त नहीं था आपके पास, मेरे लिए भी वक्त नहीं आपके पास। वो भी आपका इंतजार करते करते अपनी जिंदगी जीती गई, और मैं भी आपका इंतजार करते करते अपनी जिंदगी जीती जा रही हूं। वो भी आपकी राह देखते देखते मर गई, और मैं भी आपकी राह देखते देखते एक दिन मर जाऊंगी। और जिस तरह उसके मरने के बाद उसकी कदर आपको समझ में आई, उसी तरह मेरे चले जाने के बाद शायद आपको मेरी कदर समझ में आए। क्योंकि जिंदा इंसानों की तो आपको कोई कदर नहीं। वो भी आपका इंतजार करते करते अपनी जिंदगी जीती गई, और मैं भी आपका इंतजार करते करते अपनी जिंदगी जीती जा रही हूं। वो भी आपकी राह देखते देखते मर गई, और मैं भी आपकी राह देखते देखते एक दिन मर जाऊंगी। और जिस तरह उसके मरने के बाद उसकी कदर आपको समझ में आई, उसी तरह मेरे चले जाने के बाद शायद आपको मेरी कदर समझ में आए। अंजलि मेरा सामान लेकर आई नहीं अब तक। सर हम लोग ही जल्दी आ गए, आप जो इतने पंक्चुअल हैं। नाराज है और जायज भी है, कसूर मेरा है हरविंदर, मैंने कदर ही नहीं की। बट आई एम गोना मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। इट्स नेवर टू लेट, इज इट? नो सर।
अब मैं जर्मनी से जब लौट कर आऊंगा तो मेरा हर काम बैक सीट लेगा। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली फ्रंट सीट लेगी। दे आर गोइंग टू बी माई प्रायोरिटी। मैं अपनी फैमिली को लौटती एक लंबी छुट्टी पर ले जाऊंगा। यू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, यस सर, एंड कीप एवरीथिंग रेडी। राइट सर। मैं ये सरप्राइज अपनी वाइफ को तब दूंगा जब मैं लौट कर आऊंगा। Oh, there she is. Hello, ma'am. Let me check it. So your bag. Thank you. अचानक मुझे जर्मनी जाना पड़ रहा है। वक्त कम था इसलिए घर नहीं आ सका। इसलिए मैंने कहा कि बैग्स पैक करके एयरपोर्ट ले आए। I think I have to rush. Okay, bye. मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ठीक है। राजा, हेलो। हाय, मैं हूं रवि सरीन और यह है बिनी भाटी। नाइस मीटिंग यू। हम दिल्ली में आपके शो के ऑर्गेनाइजर्स हैं। बड़ी धूम मची है जी दिल्ली में आपके इस फ्यूजन म्यूजिक के शो की। ऑल टिकट सोल्ड इन एडवांस। आपके और आपके एंटायर ट्रिप के लिए, उसके रिहर्सल्स के लिए, अकोमोडेशंस के लिए हयात बुक कर दिया गया है। इज दैट फाइन विद यू? दैट्स फाइन, थैंक यू। वुड यू लाइक टू गो टू द वेन्यू राइट नाउ और अगर दिल्ली में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मेरे सेल पे फोन कर सकते हैं। वैसे मिस्टर बिनी भारती विल बी ऑल द टाइम अवेलेबल एट द होटल। आई अश्योर यू इंडियन राजा दैट एवरीथिंग विल गो एक्सट्रीमली वेल। अंजलि, चुप रही हो मुझसे? क्यों छुप रही हो? ऐसा क्या किया तुमने जो मुझसे आंखें नहीं मिला सकती? चलो, इसी बहाने तुमने मुझसे आंखें तो मिलाई। किसे छोड़ने आई थी? अच्छा, उसे छोड़ने आई थी जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। रुको, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मिलोगी ना? एक मौका तो दोगी ना अपने पुराने दोस्त को? एक बार मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं, हमेशा के लिए। जिस तरह तुम मुझे भूल गई थी, मौका दोगी ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओगी ना?
मेरे लिए वक्त तो बहुत कम होगा ना तुम्हारे पास। तुम यही चाहती होगी कि मुझे जो कुछ बोलना मैं जल्दी बोल दूं, ताकि फिर तुम अपनी पीठ दिखा के चली जाओ अपनी मोहब्बत भरी जिंदगी में। मैं पूछता हूं, क्या हक बनता है मुझे बिना कुछ समझाए, बिना कुछ कहे, बिना मुझसे मिले तुम मेरी जिंदगी से यूं चली गई? अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास अल्फाज है ये बताने के लिए कि तुम सही हो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि तुम सही हो, जमाना ये कहे कि तुम सही थी, तुम भी यही कहो कि तुम सही थी अपने सारे रिश्ते निभाने के लिए। मेरा रिश्ता तोड़ना जरूरी था, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा दिल हमेशा यही कहेगा कि तुम बेवफा हो। हाँ, मैं बेवफा हूं, तुमने सही कहा, मैं बेवफा हूं। पर जानते हो सबसे बड़ी बेवफाई मैंने किसके साथ की? के साथ। तुम्हारे साथ मैंने क्या बेवफाई की जो मैंने खुद के साथ की? अपनी खोखली तन्हा छोटी जिंदगी में मैंने सबके साथ वफा की, सबको खुशी दी और खुद की खुशी छीन ली। ऐसा कुछ नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम क्या मुझे पत्थर मारोगे? मैं तो खुद गिरती हुई दीवार की तरह हूं, खुद सहारा ढूंढ रही हूं कि कैसे जीऊं अपनी जिंदगी। गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। Stop it, यार, stop it. You are too much. तुम लोग हमेशा किसी ना किसी का मजाक उड़ाते रहते हो। अंजलि, कहाँ थी आप? कब से आपको ढूंढ रहा हूं, सुबह से आपका मोबाइल ट्राई कर रहा था। मैं चाहता था आप मुझे एयरपोर्ट लेने आए, लेकिन आप अपना मोबाइल आंसर ही नहीं कर रही थी। स्विच ऑफ कर दिया था क्या आपने अपना मोबाइल? हाँ, वो एनीवे, हाउ हैव यू बीन? लुक, देखिए कौन मिलने आया हमें। आप इनसे पहली बार मिल रही हैं, मैं खुद इत्तेफाकन इनसे 3 साल के बाद मिला हूं। यह है मेरे सबसे करीब दोस्त दिल, दिल अरोरा। हाय भाभी, मैं दिल हूं, दिल अरोरा, दिल वालों के शहर दिल्ली में आया हूं। लेकिन मैं आपको भाभी नहीं कहूंगा, व्हाट शुड आई कॉल यू, व्हाट शुड आई कॉल यू, बैप्स, याहू। फनी गाय, ही इज अ जोकर। और यह है दिल की वाइफ पल्लवी। पल्लवी? ओ कम ऑन आदि, पल्लवी इतना सीरियस और बोरिंग नाम है, कॉल मी पल्लो। और वैसे भी कुछ मर्द मुझे पल्लो बुलाते हैं। Naughty girl, I'll spank on your butt. But I prefer Pallavi. Anjali, Dil aur Pallavi Jamshedpur se hamesha Delhi aate rehte hain. Yahoo, Jamshedpur. Jamshedpur ka naam sunke bab samjhenge hum koi kisan hai. Kyun bhai? Yikes. That hurts. Oh, no, Dil, not at all. Dil Arora Forbes magazine ke 1000 richest Indians ke list mein include hue hain.
लेकिन अब तक 999 इंडियंस मुझसे ज्यादा दौलतमंद है, इंक्लूडिंग आपके पतिदेव आदित्य सहनी के वाइब्स। तो फिर मैं तुम्हारी गोद में क्या कर रही हूँ डार्लिंग? गोद में तो मुझे आदित्य के बैठना चाहिए। कंदी लड़की, I'll bite you. She's dirty. Society. ये मेरा जमशेदपुर का दोस्त दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है। Babs is getting scandalized, darling. उसे शर्म आ रही है। Really? फिर Babs का नाम अंजलि किसने रख दिया? इसका नाम तो भारती होना चाहिए था। भारती? अंजलि, अंजलि इनके ह्यूमर को सीरियसली मत लेना, लेकिन इनका यही मजाक हर पार्टी की जान होती है। और अब तुम्हारा भी तन्हा रहना और खुद को और बैब्स को तन्हा रखना बहुत हो गया आदि। कम ऑन, कम ऑन, गेट अप, गेट अप, लेट्स पार्टी एंड वॉक टू, नहीं तो ये दिल और ओड़ा आदित्य सहनी के हमेशा नीचे ही रहेगा। नाउ टेल मी आदि, हैंटन एंड टुब्रो का कॉन्ट्रैक्ट मुझे हरा के तुम्हें कैसे मिला? ये राज की बात तो बताओ। कोई राज वाज नहीं है दिल। इट्स माई स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन। कर्म करो तो फल अपने आप मिलेगा। तभी तो तुम मेरा फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है यार आदि। दोस्ती में दिल जान तक दे सकता है, जिसको एक बार दिल दे दिया समझो। एक्सक्यूज मी डार्लिंग्स, जब तक आप लोगों की बोरिंग बातें चलती रहे, आई नीड टू फ्रेशन अप, थोड़ी ताजा हो जाऊं। अंजलि, वॉशरूम कहाँ है? कम ऑन ना, शो मी द वर्ल्ड। हाँ जाओ जाओ, गरम गरम होके आओ। यार ये औरतें हर वक्त वॉशरूम क्यों जाती रहती हैं? तू तो बता सकता है? अरे कहा ना पल्लवी ने, फ्रेशन अप होने जा रही है। फ्रेशन अप होने? और कितना फ्रेश होंगी यार, हम तो फंस ही चुके हैं। और कितना फंसाएंगी हमें? हेलो मिसेस सहनी। हाय। हेलो। हाय। हेलो, क्या हुआ? मैं कल जब घर पहुंची तो आदित्य आ गए थे। अब क्या करेंगे? सिंपल, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ तुम। आर यू मैड? कुछ सोच के बोलो। मैं सोच के ही बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम टेंशन लो। इधर आ जाओ, मिलके सल्यूशन निकालते हैं। मैं इस वक्त नहीं आ सकती, मैं नर्सरी से बोल रही हूँ। बच्चों को घर पे छोड़ के कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हाँ, मैं आऊंगी। हमेशा की तरह आपके पीछे। किसे कह रही थी आप मैं आऊंगी? जप्पी से। जप्पी से? योर हेयर स्टाइलिस्ट? या। सरप्राइज तो बहुत होगी मुझे यहां देख के। बट अगर कल से आप नोटिस कर रही हैं तो आई एम अ चेंज मैन। जो आदमी जर्मनी गया था वो कोई और था, जो लौट कर आया कोई और है। पर कीपिंग दैट इन माइंड, एक फादर अपने डॉटर्स को और एक हस्बैंड अपनी वाइफ को सरप्राइज देने यहां आ गया। एंड स्वीटहार्ट्स, सरप्राइजेस यहां खत्म नहीं होते। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूं। पूछिए क्या? क्या? पापा! गौरी पूजा, पापा को यहां देख के शौक हो गए ना? मैंने आपकी मम्मी को भी ऐसे ही शॉक किया। एंड नाउ टाइम फॉर सरप्राइजेस। अब पापा आप सबको सरप्राइज देने वाले हैं।
मैंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को कह दिया कि हम 2.5 महीने के लिए घूमने जा रहे हैं, छुट्टी पे, हॉलिडे ऑन अ वर्ल्ड टूर, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. हैप्पी? एंड नाउ लेट्स ऑल ऑफ अस हैव सम लंच. One ticket for Shadra station, please. Raja, आज Republic Day है. रास्तों पे बहुत traffic होगी. इसलिए मैं train पकड़ रही हूँ. मैं तुम्हें Shadra station पे मिलूँगी. हमें वहाँ कोई नहीं पहचानेगा. हमेशा की तरह आपके पीछे. आई डोंट बिलीव इट. लोग कहते हैं कि शादी के कुछ सालों बाद मियाँ बीवी की शक्ल एक जैसी हो जाती है, लेकिन सोच भी एग्जैक्टली एक हो जाए ये मैंने नहीं सुना था. मैं भी दिल्ली के सबवे में, आप भी दिल्ली के सबवे में. आई जस्ट डोंट बिलीव इट अंजलि. एक्चुअली वो आई नो तुम भी मेरी तरह सोच रहे होगी कि आजकल हिंदुस्तान खुल रहा है. सुबह शाम टीवी में, पेपरों में हम सब मेट्रो रेलवे के बारे में ही बात कर रहे हैं. यू डिसाइडेड टू चेक इट आउट, है ना? मैंने भी सेम सोचा. इवन आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट. हम बुलबुल हैं इसकी, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सा. यहू ओ आदि, ओए 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 आदि मेरी जान, वो तू ऐसे की कर रहा है आदि? ओए तुम दुनिया छुप छुप के क्या कर रहे हो यार? मेरे 26 जनवरी आजादी मना रहे हैं और क्या. हमारी तरह याहू. आज मैंने सुबह सुबह अपनी बेबी से कहा चल तुझे मेट्रो ट्रेन की सैर कराऊं. तूने भी? अरे यार क्या चीज बनाई है भारत सरकार ने, अब हम किसी मामले में किसी देश से कम नहीं है. क्यों बैब, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं. पिछली बार मैं लंदन गया था, मेट्रो ट्रेन में बैठा, मुझे लगा हिंदुस्तान में तो कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन दिल्ली आते ही यहाँ भी बना दिया. या दिल आदित्य, इवन आई कैन इमेजिन. कमाल है ना अंजलि, ट्रेन तो ट्रेन, स्टेशन कितना अच्छा बनाया है. यार सच कहा तूने आदि, ट्रेन तो ट्रेन, स्टेशन तो कितना अच्छा. ट्रेन होता है मियाँ जैसा, स्टेशन होती है बीवी जैसा. ओए ये मेरी आंखों ने क्या देखा, ये मेरी आंखों ने क्या देखा, छुपे छुपे से सरकार नजर आते हैं, दिल की बर्बादी के आसार नजर आते हैं. अरे अरे यार आदि, माय फेवरेट म्यूजिशियन, फ्यूजन मास्टर, ईस्ट मीट्स वेस्ट, वेस्ट मीट्स ईस्ट इन राजा'स वॉइस. सर कितनी बार आपकी आवाज घिस घिस के सुनी है मैंने. I cannot believe it. शाहदरा स्टेशन में खड़े हो वो भी मेरे सामने. तुसे इंडिया कदों आए, तोड़ा शो हो गया थे जी. I knew it sir. अरे मैं तोड़ा बिगेस्ट फैन, ग्रेटेस्ट फैन, दिल अरोड़ा. क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? Can I touch you? Sir, please. What? What? करंट लगा.
ओए दिल, क्या हुआ? Let me introduce you. ये आदित्य सानी, दिल्ली का बिग शॉट, मेरा लंगोटिया यार है। आहिस्ता दिल, आहिस्ता। अरे यार मैं क्या करूं, मेरी आवाज कंठ में नहीं रुक रही है। राजा मैं तुमको बाकी लोगों से मिलाता हूँ। मेरी सोनी सोनी सी भाभी अंजलि सानी, इसकी बेबी है और सॉडी वाइफ है, सेक्सी सेक्सी, क्या ख्याल है। और लंच वंच कर रहे हो हमारे साथ, अभी फ्री हो तो चलो यार। नहीं फिर कभी से, अभी नहीं। वैसे आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। ओहो सर जी, बहाने बना रहे हो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी और दिन पकड़ लेंगे तुमको, है नो प्रॉब्लम यार। अच्छा एक चीज बताओ, तुम ये शाहदरा स्टेशन पर क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर समवन, कोई आने वाला स्टेशन पर। कौन? चल यार क्यों परेशान कर रहा है इन्हें, कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आई कांट बिलीव इट यार, यार क्या गाता है, क्या गाता है, ये क्या हो रहा है। मेरा जो दोस्त है ना थोड़ा सा पागल है, बट इट वाज नाइस मीटिंग यू। सेम हियर, सी यू सून। ओके बाय। या श्योर। ओए आदि कमाल हो गया यार, अभी सबके मिलने पे गाना सुन। ओ गड्डी चांदी या छलांगा मार दी, ओ मैनू याद आए मेरे यार दी, ओ गड्डी चांदी। क्या सोच रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। तुम कह दो कि तुम वर्ल्ड टूर पे इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि बच्चों की पढ़ाई मार खाएगी। हाँ ये बात करेक्ट रहेगी, मगर ये सब कब तक चलता रहेगा? जब तक तुम डिसीजन नहीं लोगी। मैं तो अब भी कह रहा हूं सब कुछ छोड़ के आ जाओ। नहीं हमें थोड़ा रुकना चाहिए, मुझे कोई हक नहीं कि सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए मैं औरों की जिंदगी एक पल में खराब कर दूं। मैं अभी इसी वक्त ऑफिस जाकर आदित्य को रुकने के लिए मना लेती हूँ। अब तुम जाओ, हमारा ज्यादा देर यहाँ रुकना अच्छा नहीं है, कोई देख लेगा। Hey Raja, what a surprise! मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग इतनी जल्दी मिल रहे हैं। Don't tell me, पहचाना नहीं? But I don't blame you. You're a celebrity. कितने लोगों से मिलते होंगे? Hello, Pallavi Arora, Metro Station. Oh yeah, right, right. Oh God, मेरे हस्बैंड ने इतना तमाशा किया था उस दिन, पर आपको देख के कोई भी excited हो जाए, पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, you know? What are you doing here? Yuhi main. Oh really? Yuhi? Main bhi bas yuhi. You know, shopping as usual. Oh, I'm sorry. Aap jaldi mein hai aur main, you know, I'm stopping you. What a pylon I am. Please carry on. But hum phir milenge, okay? Okay. Aap Delhi mein ho na, kuch din? Okay, phir milenge. Bye handsome. Bye bye. Zindagi ittefaq hai. Kal bhi हाय अंजलि। अरे यहाँ क्या कर रही हो? ऑब्वियसली कॉफी पी रही हो? नहीं, आई बिलीव यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी होती है, पर ये क्या अकेले अकेले? तुम इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो अंजलि? क्या हुआ? हाँ कितनी कॉफी पीती हो तुम अंजलि? और वो भी दो अलग अलग कप में। एक्सक्यूज मी पल्लवी, मुझे जाना है। हाँ जाओ जाओ जाओ, पर सुनो तुम्हारी ये राज की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या? यही कि तुम दो दो कप में कॉफी पीते हो।
गुड आफ्टरनून मैम. हेलो मैम. अंजलि यहाँ क्या कर रही हैं आप? यहाँ ऑफिस में. आओ बैठो. लगता है सरप्राइजेस का दिन है. पहले दिल, फिर आप, और दिल आप ही की बात कर रहा था. क्या लोगी? ये क्या फॉर्मेलिटीज अपनी वोटी से बात कर रहा है यार. क्या लोगी क्या नहीं लोगी. अरे इस ऑफिस की स्पेशलिटी तो कॉफी है. यामी, आई एम श्योर बैब्स को कॉफी बहुत पसंद है. बैब्स, हैव सम कॉफी? नो थैंक्स. मान लो इनकी बात अंजलि. ये जो बात पहली बार करते हैं मैं नहीं मानता, लेकिन वक्त के साथ मुझे पता चलता है ये जो कह रहे हैं हमेशा सही निकलता है. मैं पिछले एक घंटे से आदित्य को समझा रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रहा है. इज्जत पकड़ के बैठा है कि नहीं हो सकता. मैं कहता हूँ क्यों नहीं हो सकता, तो फिर मैंने कहा चलो बैब से पूछते हैं. इसके पहले कि आपको खोजे ढूंढे, आप सामने से ही आ गए. अब आप ही बताइए, आप आदित्य के अलावा किसी और से मिलती हैं? मुझे मालूम है आप किसी से नहीं मिलती हैं. सिर्फ शॉपिंग करती होंगी या फिर कॉफी पीती होंगी, तन्हा, अकेले, ऑल अलोन. लेकिन मैं कहता हूँ दिल जमशेदपुर से दिल्ली आया है और आप तन्हा है, अकेले है, ऑल अलोन है, फिर क्या फायदा? मुझे पूरा समझे बगैर, जाने बगैर आप कैसे जा सकती हैं? नहीं जाइए बैब्स. मैं समझी नहीं. वर्ल्ड टूर बैब्स? अभी भी आदित्य बता रहे थे कि आप लोग वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं. मेरा तमाशा अभी शुरू हुआ नहीं और आप लोग निकले जा रहे हैं. ये घुमा फिरा के कह रहा है कि हम अपना वर्ल्ड टूर पोस्टपोन कर दें और इनकी पार्टी अटेंड करें. प्लीज, आपको दिल की बात रखनी होगी, दिल की पार्टी अटेंड करनी होगी. प्लीज बैब्स. जब ये इतना कह रहे हैं तो पार्टी तक रुक जाते हैं. लेकिन अंजलि, मैंने अपना सब काम रोक के ये वक्त निकाला था. आगे मुश्किल होगी. वो आप कैसे भी करके संभाल लीजिए. वैसे बच्चों की पढ़ाई मार खाएगी, हम आगे चले जाएंगे. हाँ, या तो बॉस, जैसे तुम कहो. कम ऑन गर्ल्स. अच्छा आप मुझे जल्दी से बताओ मैं लग कैसी रही हूँ. What about my hair? Oh my God, ये तो वो पॉप स्टार है. चलो. Excuse me. राजा. राजा. जी. इंडियन राजा. Oh my God, you're so hot. We love you. Love your music. आप दिल्ली कब आए? क्यों आए? Look, who's here? Raja, the great fusion singer. Raja, meet three beauties. I'm sorry, society queens. Mrs. Anju. Hi. Hi. Mrs. Manju. Hi. And Mrs. Sanju. Raja, they love you. I love you. We all love you. Yes. चलो और सारे लोगों से मिलवाता हूँ. Come on. Dil. आपने क्यों नहीं बताया कि ये भी पार्टी में आ रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं बताया? What is all the secrecy, यार? मैं नहीं चाहता था कि आप लोग गर्म हो जाएं. hot हो जाएं. debauched. Anyway, thanks राजा. आपको इतना कम वक्त दिया, फिर भी आप हमारी पार्टी में आए. ये तो हमारी वाइफ पल्लू का ब्रेन वेव था, जिसने हमसे कहा दिल डार्लिंग, हमारी पार्टी में लखपति, करोड़पति, अरबपति सब आ रहे हैं. सारे तरह के बिग शॉट बिजनेसमैन हैं, लेकिन कोई फनकार, कोई कलाकार, कोई आर्टिस्ट नहीं है जो आप हैं. और आप आ गए. How sensitive of you. That's like a true artist, isn't it? Yes. लेकिन हम भी आपसे वायदा करते हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे. ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएंगे, ऐसे ऐसे शक्लें दिखाएंगे कि आपकी अक्ल भी सुन्न हो जाएगी. है कि नहीं? Yes. अंजलि, ये वही म्यूजिशियन है ना जो उस दिन हमसे मेट्रो स्टेशन पे टकराया था? आई मस्ट मीट हिम. इनसे मिलिए. ये है लाला,
इनकी वाइफ लाली, सुरेश बजाज, वाइफ परिंदा, इनके बड़े भाई दोलू एंड गुड ओल्ड अंजू मंजू संजू एंड माय बेस्ट फ्रेंड आदित्य सहनी. हेलो राजा, नाइस टू सी यू अगेन. अरे नाइस नाइस क्या, वंडरफुल यार, वंडरफुल. हमने राजा से कहा किसी को नहीं पता चले आप इस पहाड़ी में आने वाले हैं. सरप्राइज सरप्राइज, कमाल है ना? कमाल है, कमाल है. पहले मेट्रो स्टेशन, फिर होटल में, और अब हमारी इस पार्टी में. कुछ लोगों के रास्ते टकराते रहते हैं. आदित्य, तुम्हारी बीवी कहाँ है? अंजलि कहाँ है? Where's Mrs. Sahani? मेरी बीवी के साथ हैं, लेकिन आजकल आप लोग किसके साथ हैं? ये कैसा सवाल है? दिल, what do you mean? I mean, आजकल आपके मियाँ कहाँ हैं? China, Japan, Korea. Oh, Bangkok में तो नहीं है ना? Having a hot, hot massage. हिंदुस्तान साल में एक न एक बार तो आते ही होंगे. ये कैसा बेहुदा मजाक है? मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस पार्टी में नहीं आना चाहिए. ओए मंजू, अंजू. ओए संजू, ओए मंजू. क्या कर रहा है दिल? क्यों इन सबको छेड़ रहा है? डांट क्यों रहा है यार? बड़े बेशरम लोग हैं ये. अगली पार्टी में दुम हिलाते हुए इधर आ जाएंगे. छेड़ थोड़ी रहा हो यार, अपनी पार्टी को लाइफ दे रहा हूँ. कुछ तमाशे होंगे, कुछ दिल टूटेंगे, तभी तो मजा आएगा. क्यों इतना टेंस हो रही हो अंजलि? बारीकी का फर्क है पा और माँ में. पिया मिया, मिया पिया, पिया मिया, मिया पिया. क्या कहना चाहती हो तुम? वही जो तुम छुपाना चाह रही हो. यूं दो दो कप में कॉफी पीने वाली अपने पति को तो बेवकूफ बना ही रही हो. मुझे क्या उल्लू समझ रखा है? तमाशा कर दूंगी. डर गई? ठीक है, नहीं बताती, किसी को नहीं बताती. पर एक है जिसे सब कुछ पता है. कौन? तेरा नहीं, मेरा पति. दिल. मत रो और किसी से मत डरो. न तुमने कोई गुनाह किया है, न मैंने कोई गुनाह किया है. दिलो पल्लवी की छेड़ को इतनी सीरियसली मत लो. अगर उन दोनों को पता चल भी गया है कि हमारे बीच में क्या है तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने आदित्य से कह दिया तो क्या हुआ? अच्छा ही है. बिल्कुल नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं आदित्य से ये बात कहने के लिए. तुम कभी तैयार थी भी नहीं, हमेशा बीच की राह ली है तुमने. अब सारे डिसीजन मुझे लेने होंगे. देखो मेरी तरफ, दो दिन बाद मेरा शो है और उसी रात को मैं हिंदुस्तान छोड़कर चला जाऊंगा. लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारे साथ. तैयार रहना. एक ओंकार सतनाम करता पुरुख, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद. इसका मतलब है सत्य ही ईश्वर है. जो चीज करो सही करो, सच्ची करो. यही रास्ता है मन की शांति का रास्ता. अब बोलो मेरे साथ, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु. बोलो फिर से,
वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह वेरी गुड मामा पापा मामा अंजलि अंजलि बेटी कैसी हो आप लोग कब आए कुछ बताया भी नहीं कब आ रहे हैं मामा पापा ने हमें प्लेजेंट सरप्राइज दिया है वो गोल्डन टेंपल अमृतसर जा रहे हैं एक दिन के लिए दिल्ली भी रुकेंगे गोल्डन टेंपल तुम्हारे पापा ने मन्नत मांगी थी कि जब हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो गुरु नानक जी के दर पे माथा टेकने जाएंगे और नानक जी की इतनी मेहरबानी है कि सब कुछ ठीक ही नहीं बहुत ही अच्छा है मैम बेबी लोग ने अभी तक दूध नहीं पिया हम मिल्क पिला दें उनको आजा मेरे पास आजा पूजा और गौरी आप भी चलो जाओ दूध पी लो नहीं मम्मा हम लोग नाना नानी के पास रहेंगे प्लीज बच्चों अभी मामा की बात सुन लो दूध पीने जाओ बाद में मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा ओके नाना कम ऑन पूजा गौरी कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गर्ल्स गो अप टू योर रूम गो एंड हैव योर मिल्क कम ऑन गो ऑन गर्ल्स गुड गर्ल्स वाहेगुरु 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 की कृपा अनगिनत है जो समस्या हमारे घर को घेरे हुई थी वो अंत में सुलझ ही गई अंजलि तुमने इस घर को कितनी अच्छी तरह बसा लिया है हमने जो तुमसे मांगा था वो कोई छोटी बात नहीं थी बेटी लेकिन तुमने बिना शिकन के हम सब पर इतना बड़ा एहसान कर दिया आदित्य अभी बता ही रहे थे कि तुमने कितनी अच्छी तरह उन्हें बच्चों को और सारे घर को संभाल रखा है आई एम सो प्राउड ऑफ यू अंजलि हमने तुम्हें जो संस्कार दिए तुमने किस खूबी से उन्हें निभाया है माँ बाप अपने बच्चों की हदें नहीं पहचान पाते लेकिन कुछ बच्चे उन हदों को तोड़कर आगे निकल जाते हैं और अपने माँ बाप की उम्मीदों से भी बढ़कर उनका नाम रोशन करते हुए एक मिसाल बन जाते हैं जैसे कि तुम बन गई हो उसके दर पर मैं यही मांगूंगा कि तुम्हारा ये संसार तुम्हारा ये परिवार तुम्हारा ये घर ऐसे ही फलता फूलता रहे किसी की नजर न लगे कभी कोई आंच ना आए ये आपके नाम की फ्लाइट की टिकट्स हैं और ये आपके कंपेनियन के नाम की बहुत कंफर्म्ड थैंक यू शो कितने बजे शुरू होगा एग्जैक्टली 15 मिनट हैं आपकी एंट्री के लिए I think you better change. Yeah, I think so. You're right. वैसे भी मुझे सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनना है. Excuse me. May I come in, please? Of course. आइए. Please do come in. तो मैं तैयार हो जाता हूँ. ठीक है तो आपकी दोनों फ्लाइट के टिकट्स आप ही के पास हैं. Let's go. Penny, please look after the chief guest. Okay? I guess right. सही सोचा मैंने. आज रात को आपका शो खत्म होगा और आप निकल जाएंगे और न जाने हम आपको कहां कहां ढूंढते रहेंगे ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली मैं एक बार काम खत्म हो जाए तो रुकने का कोई मतलब नहीं होता और वैसे भी आज रात मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा एक काम छोड़ के कौन सा हाथ मिलाइए जी अरे हाथ तो मिलाइए डोंट वरी यू वोंट रिग्रेट दैट्स इट पता नहीं क्यों आपसे हाथ मिला के मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही मिलती हैं दैट्स गुड अब मुझे मुबारकबाद दीजिए किस बात के लिए कम ऑन कंग्रेचुलेट मी आज सिर्फ आपकी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस की रात नहीं है मेरी और अंजलि की शादी की सालगिरह है इट्स आवर वेडिंग एनिवर्सरी ओह 3 साल हो गए हमारे इस बंधन को आपने नोटिस किया होगा देयर इज एन एज गैप उम्र का फासला है मेरी और अंजलि की उम्र में दरअसल वी हैवन हैड अ कन्वेंशनल मैरिज आपने तो किसी न किसी से सुना होगा कि अंजलि ने यह शादी करके ये कमिटमेंट देखे मेरी फैमिली के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है जैसे जैसे दिन गुजरता है मुझे उसके इस त्याग का
एहसास और होता जाता है। जी मैंने सुना है उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था। सॉरी मैं अपनी बात लेके शुरू हो गया। एक्चुअली मैं बैकस्टेज आया था आपको ऑल द बेस्ट कहने के लिए। आई एम श्योर यू गोना हैव अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। गुड लक। थैंक यू। आइए मैं आपको बात। ओह नो 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 प्लीज। अरे अरे बाहर आपके इतने चाहने वाले आपको घेर लेंगे। मैं खुद चला जाऊंगा। गुड लक माय फ्रेंड। तुम यहाँ अंजलि? अभी अभी आदित्य आए थे, अकेले थे, कहीं तुम्हें देखा तो नहीं उन्होंने? पता नहीं बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगे। जो उनके दिमाग में था वो उनकी जुबान पे नहीं। आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग विद देम। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? और अगर पता चल भी गया तो वी केयर अ डैम बिग डील। देखो अगर ये बात खुल भी गई ना तो कह देना कि तुम अपनी जिंदगी बितानी चाह रही हो, वो भी राजा के साथ। हमारे पास दोनों टिकटें भी आ गई है मॉन्ट्रियल की। चलेंगे अपनी दुनिया में, भूल जाएंगे सब कुछ। अपने संस्कार भी? क्या मतलब? मैं उस संस्कार की बात कर रही हूं जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिए। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो मामा पापा मुझे मिले। वो गोल्डन टेम्पल जा रहे थे मेरी अच्छी जिंदगी की दुआ मांगने। उनका सपना जैसे पूरा हो गया मुझे देखकर। अंजलि होके भी उन्होंने मुझे आरती जैसे देखा, लेकिन मैं आरती नहीं, अंजलि थी जो उनसे नजरें नहीं मिला सकी। और जो अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला सकते वो जरूर कुछ गलत कर रहे हैं। ये मुझसे नहीं होगा राजा, मैं नहीं आ रही हूं। क्या बात है। जब भी मेरा घर बसने चाहता तुम्हें दुनियादारी की सारी बातें याद आ जाती है। राजा का दिल टूट गया, उसका घर जल गया, वो अकेला हो गया, लेकिन तुमने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा अलग रखा। आरती क्या चली गई, तुम तो सबकी जिंदगी संवारने लग गई। मैं नजर नहीं आया तुम्हें? पहले भी तुम मेरी जिंदगी से चली गई थी और अब फिर जा रही हो। मुझे और बर्बाद मत करो। मुझे कुछ भी कहने से मेरा रास्ता नहीं बदलेगा। रास्ता तो राजा ने चुन लिया है, लेकिन तो मैं तुम्हें जाऊंगा। चाहे तुम प्यार से चलो या तमाशे से। मुझसे जबरदस्ती मत करो राजा। बात यहां खत्म हो जाए तो बेहतर है। तमाशे से वैसे भी बात खत्म हो जाएगी। मैं जा रही हूं। तो मैं भी जाते जाते तुम्हारा घर बर्बाद करके जाऊंगा। वो मैं तुम पे छोड़ती हूँ राजा। तुम मेरे इस फैसले को वफा समझो या बेवफा।
यू नफरत से ना कांटों को देखो, काम आएंगे। फकत फूलों से है गुल, दोस्ती अच्छी नहीं होती। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है। हाँ मोहब्बत की ये सजा है, हाँ मोहब्बत की ये सजा है। तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, हाँ बेवफा है, एक बेवफा है। कितनी जालिम उसकी अदा है, कितनी जालिम उसकी अदा है। वो बेवफा है, तू बेवफा है, हाँ बेवफा है, एक बेवफा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, हाँ बेवफा है, एक बेवफा है। उसको रुसवा कर जाऊंगा, एक आग लगी है सांसों में, एक बेचैनी है आहों में, वो सर झुकाए बैठी है देखो गैरों की बाहों में। हर घड़ी मुझे जिसका नशा है, हर घड़ी मुझे जिसका नशा है। एक बेवफा है, वो बेवफा है, हाँ बेवफा है, तू बेवफा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है। हाँ मोहब्बत की ये सजा है, हाँ मोहब्बत की ये सजा है। तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है,
तू बेवफा है। जिस दिल पे फिदा है तू बेवफा है, हाँ बेवफा है मेरा दिल। जिस दिल पे फिदा है मेरा दिल, जिस दिल पे फिदा है वो बेवफा है। जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग। मैं सब जानता हूं, शुरू से सब कुछ जानता हूं। इन्हें मैंने ही बताया था, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। शादी के बाद तुम अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई, तुम पर तो जायज भी था, तुम्हारी उम्र ही ऐसी थी। लेकिन मैं तो समझदार था, फिर भी मुझसे गलती हुई। और जब तक मुझे एहसास हुआ बात ही बदल चुकी थी। मेरी आंखें खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। तुम मेरी जिंदगी से निकल चुकी थी। तब मैंने सोचा कैसे तुम्हें वापस लाया जाए। मैं उस वक्त बैठकर तुम्हें समझाता भी तो शायद तुम नहीं समझ पाती। तो मैंने सोचा कैसे तुम्हें अपने घर अपने फैमिली में वापस लाया जाए। और वहां मेरे दोस्त मेरे काम आए। ये दुश्मन नहीं है, मेरे राजदार हैं। भाभी मैं आज आपको बैप्स नहीं बुलाऊंगा। हमने जाने अनजाने जो भी गलती की आप हमें माफ कर दीजिएगा। इस घर को बचाने का और कोई जरिया नहीं था। अंजलि शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही मैंने तुम्हें कभी गुनहगार समझा है। मैंने जो भी किया सिर्फ इसलिए किया कि एक बार तुम्हें होश मिलाऊं कि तुम कौन सी राह चुनना चाहती हो। उस वक्त जब तुमने मुझसे शादी भी की थी शायद जज्बाती होकर यह कदम तुमसे सही या गलत उठ गया होगा। पर आज तुम सिर्फ अपने बारे में सोच सकती हो, सोच समझकर अपनी राह चुन सकती हो। आई विल एक्सेप्ट इट। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बच्चों का सवाल है धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूं।
क्या सोच रही है तुम? अब इसमें सोचना बाकी क्या है? या तो हमने गलत किया कि हम छुप छुप के मिला करते थे, या तो फिर सही कि हमने सबके बारे में सोचा। आज जब सबको पता चल ही गया है तो मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और तब से करता हूं जब से ये लोग थे भी नहीं तुम्हारी जिंदगी में। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि तुम्हारी बहन हमारे साथ नहीं रही, लेकिन वो भी यही चाहती थी कि हम दोनों एक हो जाएं। पर हमारी तकदीर ने बेवफाई की। लेकिन आज जब हमारी जिंदगी ने एक मौका दिया, तुम अब भी सोच रही हो? जानना चाहती हूं मैं क्या सोच रही हूं। मैं सोच रही हूं एक बीवी बेवफा हो सकती है, एक लड़की एक प्रेमी का बेवफा हो सकती है, पर एक मां बेवफा नहीं हो सकती। एक मां अपने बच्चों से कभी बेवफा ही नहीं कर सकती है। मैं कैसे उन बच्चों को छोड़ दूं जिनकी मां उन्हें पहले से ही छोड़ के चली गई? मैं कैसे उनसे दूसरी बार उनकी मां छीन लूं? और सच तो यह है कि वो आरती के बच्चे नहीं, हमेशा अंजलि के बच्चे रहे, मेरे बच्चे। मम्मा, मम्मा। मैं कहीं नहीं गई थी आप लोगों को छोड़ के, कहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी आप लोगों को छोड़ के, कभी नहीं जाऊंगी। राजा, तुम जा रहे हो? जी जी हाँ, मेरे यहां से चले जाने में ही मेरा रास्ता है। अंजलि ने जो रास्ता चुना था वो सही था, और आज भी जो रास्ता चुना है वो भी सही है। राजा, बहुत परेशान किया ना हमने आपको, माफ कर दे दोस्त, इतने भी हम बुरे नहीं हैं। अरे आप तो दोस्तों के दोस्त हो, आप जैसा दोस्त अगर सभी को मिल जाए तो फिर तकदीर कभी बेवफा ना हो। प्यार की राहें होती है मुश्किल, चलते चलते मिलती है मंजिल। प्यार की राहें होती है मुश्किल, चलते चलते मिलती है मंजिल। दिल का कहना है प्यार किए जा, हर एक पल को दिल से जिए
खुदा है सबसे जुदा है सबसे जुदा है हाँ वो जुदा है सबसे जुदा है मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है सबसे जुदा है सबसे जुदा है सबसे जुदा है सबसे जुदा है बच्चे कहाँ हैं वो पल्लवी के साथ पहले ही चेक इन हो गए बहुत मस्ती कर रहे थे दे आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस वर्ल्ड टूर तो हमने सोचा इसी बहाने हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी को अकेला तो छोड़ दिया और यार अब बात रही हमारी तो हमने भी सोचा कि इस बार हम भी तीन होकर ही आएंगे मैंने पल्लवी से कह दिया भाई जाओ बच्चों को चेक इन करो कुछ ट्रेनिंग लो यार बहुत हो गई ये मस्ती ये छेड़छाड़ अब हम फैमिली वाले हो जाए है कि नहीं अरे राजा ऐसे क्यों देख रहा है यार बोलो ना माफ कर दे यार वैसे भी तेरे सामने मच्छर हूँ मच्छर एक जोर की पड़ गई ना अलविदा याहू अच्छा राजा चलते हैं वी हैव टू चेक इन फॉर आवर फ्लाइट वैसे भी दिल्ली एयरपोर्ट पे आदित्य सानी मशहूर है कि हमेशा लास्ट कॉल पर ही अंदर आता है आज वक्त पर पहुंच के मैं सबको चौंका देना चाहता हूँ दिल चलें चले हाय हेलो यू हैव अ कंपेनियन टिकट सर योर कंपेनियन No, no companion. On the contrary, I just want to cancel my companion ticket. Can you do that for me, please? Sure. Is this the immigration form? Yes, sir. Thank you. वैसे ज़िंदगी में सबको मोहब्बत होती है. मुझे भी हुई. आप लोगों को भी हुई होगी. वो कहते हैं, इंसान पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता. लेकिन it's quite an outdated thing. बड़ी पुरानी बात है. जो भी कुदरत का फैसला होता है हमें चुपचाप मान लेना चाहिए वी शुड नॉट आर्ग्यू विद हिम क्योंकि वो जो भी सोचता है सही सोचता है क्योंकि वो हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है जो एक दिन आपको बेइंतहा प्यार करने वालों से ज़रूर मिलाएगा वो आएगी ज़रूर आएगी आपके लिए भी मेरे लिए भी आई एम वेटिंग फॉर सो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल एंड प्लीज विश मी ऑल्सो द बेस्ट योर टिकट सर एंड बोर्डिंग पास Right on time. Have a nice flight, sir. Thank you.